मैं श्रद्धा बघेले पूर्व माध्यमिक विद्यालय जावन ब्लॉक होंगा जिला झांसी से हूँ। मुझे मेरे नवाचार के लिए शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार के अंतर्गत ZIIEI द्वारा राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित माननीय एचआरडी मिनिस्टर श्री रमेश चंद्र पोखरियाल जी निशंक द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। मेरे नवाचार का विषय था बडिंग राइटर्स के अंतर्गत बच्चों द्वारा लिखी जाने वाली डेली डायरी। जब मैंने बच्चों के अंदर एक रिक्तता देखी, एक शून्यता देखी, उनके अंदर निहित कई समस्याएं थी, जैसे समय प्रबंधन का अभाव, आत्मचिंतन की कमी, आत्मविश्वास की कमी। इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए मुझे डायरी का विचार आया और मैंने बच्चों को डायरी लिखने के लिए प्रेरित किया। इसके लिए मैंने शुरुआत की बच्चों को छोटे छोटे सेंटेंसेस को ग्रामर के अकॉर्डिंग लिखना सिखाया। बच्चे हिंदी इंग्लिश दोनों में ही डायरी लिखते हैं। बच्चे अपनी दिनचर्या को डायरी में व्यक्त करने लगे और इसके साथ धीरे धीरे उनको अपने विचारों को व्यक्त करने की भी कला आई और वे अब डायरी में अपनी हर बात शेयर करते हैं। जैसे हमारे स्कूल में जो जयंती मनाई जाती है, बच्चे स्कूल में फ्रेंड्स के साथ जो बातें करते हैं, कोई अविस्मरणीय घटना, इन सब बातों को डायरी में नोट करते हैं। और बच्चों के कई समस्याएं डायरी लिखने से दूर हुई, जैसे कि समय प्रबंधन की समस्या। ऐसे एक बच्चे ने लिखा जब अपनी डायरी में कि मैं 8:15 बजे विद्यालय पहुंचा, तो उसको लिखते समय ही अपनी गलती का एहसास हुआ और अगले दिन से उसने समय से विद्यालय आने का निश्चय किया। इस तरह से बच्चे स्व आकलन करते हुए आत्म सुधार की ओर डायरी के द्वारा प्रेरित हुए। बच्चे देखिए डेली डायरी जो लिखते हैं, इसमें डेली रूटीन की बातें लिखते हैं और हिंदी इंग्लिश दोनों में ही लिखते हैं बच्चे डायरी। और इसके साथ साथ मोटिवेशनल कोट्स भी लिखते हैं बच्चे डायरी में। और बच्चे डायरी में अपनी गुड हैबिट्स लिखते हैं, बैड हैबिट्स लिखते हैं। देखिए एक बच्चे ने लिखा, जैसे सुबह जो डायरी लिखी तो उसने सन बना दिया और शाम के टाइम जो डायरी लिखी तो उसने मून बना दिया। तो बच्चे डायरी में अपनी हर अच्छी और उन्हें परेशान करने वाली बातों को शेयर करते हैं और इसके साथ साथ वो इमोजी भी बना देते हैं। जब वो दुखी रहते हैं तो दुखी वाली इमोजी बना देते हैं और खुश रहते हैं तो खुश वाली इमोजी बनाते हैं। इससे हम बच्चों का आकलन भी कर लेते हैं कि बच्चा दुखी है कि खुश है और इस तरह से हमें उनका मनोवैज्ञानिक रूप से मूल्यांकन करने में भी आसानी होती है। देखिए इस बच्चे ने, जैसे हमारे यहाँ 15 अगस्त का कार्यक्रम जो हुआ तो बच्चों ने उसको बताया कि किस तरह से हमने सेलिब्रेट किया गांधी जयंती के कार्यक्रम को बच्चों ने बताया। तो बच्चे अब डायरी लिखने के साथ साथ मानसिक रूप से मजबूत होते जा रहे हैं। उन्हें डायरी के रूप में बेस्ट फ्रेंड मिल चुका है और डायरी का नवाचार हमारे विद्यालय में लगभग सभी बच्चे करते हैं और आत्म विकास की दिशा में वो आगे बढ़ रहे हैं। मुझे खुशी है कि श्री अरविंदो सोसाइटी और HDFC बैंक ने हम नवाचारी शिक्षकों को अपने नवाचार को साझा करने का ऑनलाइन अवसर प्रदान किया है और मुझे आशा है कि हम मिलकर शिक्षा को गुणवत्ता के शिखर पर पहुंचाएंगे और बच्चे को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के शिखर पर लेकर जाएंगे। इस जीवन का उद्देश्य नहीं शांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं। इसी प्रकार के और नवाचारों को जानने के लिए आप ZIIEI के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। नमस्कार व्यूअर्स, मेरा नाम कीर्ति चौधरी है और मैं गुवाहाटी के काहिलीपाड़ा हाई स्कूल की शिक्षिका हूँ। सबसे पहले मैं HDFC तथा ZIIEI की बहुत बड़ी आभारी हूँ जिन्होंने मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जिसके जरिए मैं अपना जीरो इन्वेस्टमेंट आइडिया आप सबके सामने रख पाई।
जीरो इन्वेस्टमेंट का मतलब ही है बिना पैसे खर्च करते हुए नवाचार विचारों का विकास करना, जिससे बच्चे नई चीज़ें सीखने की अनुप्रेरणा प्राप्त कर सकें। जैसा कि हम सबको पता है कि भारत की अधिकतर जनसंख्या काफ़ी गरीब है और वो नए नए जहाँ पे पैसे खर्च करने वाले विचारों को वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए ज़ीरो इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ जो है वो काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। और मेरा जो आइडिया था वो था मल्टीलिंगुअल डिक्शनरी। मल्टीलिंगुअल डिक्शनरी काफ़ी आसान है बनाना। जैसे कि हम सबको पता है कि प्रातःकाल हर विद्यालय में आपके मॉर्निंग असेंबली होता है, उसमें शिक्षक होते हैं, उसमें सारे बच्चे उपस्थित होते हैं, प्रार्थना गाई जाती है। ठीक उसी प्रकार जब प्रार्थना गाई जाती है, प्रार्थना गाए जाने के बाद एक ब्लैक बोर्ड में प्रतिदिन नया नया शब्द लिखा जाएगा। जैसे कि आपका सपोज पैसा वर्ड हुआ पैसा, उसको इंग्लिश में लिखा गया मनी, असमीज में लिखा गया पैसा, बांग्ला में टाका, ठीक इसी तरह से अलग अलग भाषाओं में उसको लिखा जाएगा। और वहाँ पे जो उपस्थित बच्चे हैं वो उस शब्द के जो अर्थ है उनको लिखेगा, उनको एक खाते में या कॉपी में लिखेगा। तो आप देखेंगे कि साल में एक छोटी सी डिक्शनरी उनकी तैयार हो जाती है बिना पैसे खर्च किए, और वो उन डिक्शनरी से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। और अंत में मैं आप सबसे ये भी कहना चाहूँगी कि ई पाठशाला ऐप अगर आप लोगों ने इंस्टॉल नहीं किया है तो जल्द से ई पाठशाला ऐप इंस्टॉल करें, क्योंकि ई पाठशाला ऐप में कई सारे नवाचार विचार हैं जो कि ज़ीरो इन्वेस्टमेंट आइडिया पे बेस्ड है, जिससे बच्चे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। धन्यवाद। सभी को मेरे नवाचार का शीर्षक है बौद्धिक परिणाम से परिवार की ओर। बौद्धिक परिणाम से परिवार की ओर इस नवाचार के अंतर्गत स्कूली परंपरागत शिक्षा के अंतर्गत जिस प्रारूप के अंतर्गत पढ़ाई होती है, जिस समय सारणी के अनुसार पढ़ाई होती है, उसी के अनुसार पढ़ाई होती रहेगी। उस पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के अंदर सामाजिक मूल्य, अच्छी अच्छी आदतें, शारीरिक शिक्षा, सामान्य ज्ञान और अपने अंदर निहित सर्वोत्तम को बाहर निकालने संबंधी गुणों का भी विकास होगा। इस नवाचार के अंतर्गत जो विद्यालय की पहले से तय समय सारणी बनी हुई है, उसी के अंतर्गत संपूर्ण पढ़ाई करवाई जाएगी। केवल विद्यालय के निश्चित समय के आखिरी एक घंटे के लिए, मतलब कि छुट्टी से एक घंटे पहले बौद्धिक परीक्षा के रूप में विद्यार्थियों के परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। वह इस बौद्धिक परीक्षा के सभी प्रश्नों का निर्माण प्रत्येक विद्यार्थी स्वयं करेगा। वह इस बौद्धिक परीक्षा का जो प्रश्नों का रूप है वह बहुविकल्पी होगा। वह हर विद्यार्थी जो उसके पास निहित ज्ञान है उसी के आधार पे प्रत्येक विद्यार्थी एक एक प्रश्न चुन करके अध्यापक को देगा। उदाहरण के तौर पे यदि कक्षा के अंदर 40 बच्चे हैं तो प्रत्येक बच्चा एक एक प्रश्न स्वयं की तरफ से अध्यापक को उस बौद्धिक परीक्षा के लिए देगा, तो अध्यापक के पास 40 बहुविकल्पी प्रश्न हो जाएंगे। वही प्रश्नों का जो आधार होगा वह
स्कूली विषयों के साथ साथ शारीरिक शिक्षा, सामाजिक मूल्य, अच्छी अच्छी आदतें अपने अंदर निहित सर्वोत्तम को बाहर निकालने का प्रस्तुतिकरण का तरीका, सामान्य ज्ञान संबंधी उसकी जो से जानकारी है वह इस प्रकार से उसके अंदर घटकों को शामिल किया जाएगा। वह इन्हीं पढ़ाई के साथ साथ अन्य जो विषय हैं, अन्य जो बातें हैं जो उसके परिवेश में होती हैं उनसे संबंधित प्रश्न इसके अंदर लिए जाएंगे। वह प्रतिदिन जब यह परीक्षा होगी तो इस परीक्षा के उपरांत इस परीक्षा में प्रथम, द्वितीय व तृतीय आने वाले विद्यार्थियों को सप्ताह के अंत में एक साप्ताहिक अध्यापक अभिभावक बैठक का आयोजन करके उस बैठक में उन विद्यार्थियों के जो अभिभावक हैं, उन बच्चों के जो माता पिता हैं, उनको मुख्य शिक्षक SMC के मेंबर के द्वारा सम्मानित भी किया जाएगा। वह साथ ही साथ उस साप्ताहिक अभिभावक अध्यापक बैठक के अंतर्गत सभी पेरेंट्स को बताया जाएगा कि उनके बच्चों की पढ़ाई की प्रगति का स्तर क्या है। इस तरह करते करते हर हफ्ते, हर दिन इसी तरह एक बौद्धिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। वह सप्ताह के अंत में उस बौद्धिक परीक्षा में जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त कर रहे हैं उन बच्चों के पेरेंट्स को सम्मानित किया जाएगा। वह महीने के अंत में एक बड़ी मेगा PTM, एक विस्तृत, एक बड़ी अध्यापक अभिभावक बैठक का आयोजन किया जाएगा। वह इस बैठक के अंदर पूरे महीने में प्रतिदिन जो बच्चे प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान लेकर के आए हैं बौद्धिक परीक्षा के अंतर्गत, उन बच्चों के पेरेंट्स को स्कूल के प्रिंसिपल, गांव के सरपंच, SMC लोगों के सामने सम्मानित करवाया जाएगा। वह बौद्धिक परीक्षा में स्थान प्राप्त करने के अलावा जो कोई भी विद्यार्थी प्रतिदिन बगैर कोई अवकाश लिए हर रोज विद्यालय में आया है, चाहे उसका स्थान उस बौद्धिक परीक्षा में कुछ भी हो, उस बच्चे के अभिभावकों को भी इस मेगा PTM के अंतर्गत सम्मानित किया जाएगा। वह चाहे वो साप्ताहिक बैठक हो और चाहे वो मेगा PTM हो जो महीने में एक बार होती है, इन सभी बैठकों के अंदर जो सम्मानित करने का प्रतीक चिन्ह होगा उस सम्मानित प्रतीक चिन्ह का निर्माण भी विद्यार्थी स्वयं ही अपने आप करेंगे। उदाहरण के लिए कोई छोटा सा चार्ट बना दिया, इस पे लिखा हो स्टार पेरेंट्स ऑफ द वीक या स्टार पेरेंट्स ऑफ द स्कूल, लिखा हो आई लव माई फैमिली, इस प्रकार के स्लोगन भी हो सकते हैं, या अन्य कोई भी सामान जो विद्यार्थियों के आसपास मिलता है उन्हीं की सहायता से बच्चे सम्मान प्रतीक चिन्ह का निर्माण करेंगे, जिनको कि सम्मानित करने के समय अध्यापकों को दिया जाएगा। वैस सारी जो ये नवाचार है इसमें कहीं पर भी किसी तरह के किसी भी बाहरी चीज़ का समावेश नहीं है। इस संपूर्ण नवाचार का जो केंद्र बिंदु है वह अध्यापक, विद्यार्थी व उनके पेरेंट्स, अभिभावक ही हैं। वैस नवाचार में कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई निवेश नहीं करना पड़ता, सब का सब कुछ पूर्णतः शून्य निवेश है। हम कहें कि यदि कोई चीज लग भी रही है, निवेश भी हो रहा है, तो वह निवेश होगा बच्चों का पढ़ाई में रुचि लेना, अध्यापक का समर्पण, जो अभिभावक हैं उनका विद्यालय के अंदर गहन रूप से रुचि लेना। वह इन जो मेगा PTM होंगी इसके अंतर्गत हम विद्यालयों के विद्यार्थियों की जो उनका अधिगम स्तर है उनको लेकर चर्चा करेंगे। वह साथ ही साथ कोई भी जो स्कूल संबंधी कोई समस्या है उन समस्याओं के समाधान के लिए भी हम इस बैठक के अंदर अभिभावकों से चर्चा कर सकते हैं, उन समस्याओं का हल निकाल सकते हैं।
इस बैठक के अंदर यह इस नवाचार के अंतर्गत यह प्रयास किया गया है कि जो विद्यार्थी का बौद्धिक स्तर होता है, जो उसके बौद्धिक क्रियाकलाप हैं, उनका प्रयोग करते हुए जो ग्रामीण लोग हैं, जो उनके अभिभावक हैं, उनको शिक्षा से सीधे तौर पे जोड़ा जाए, क्योंकि जब बौद्धिक स्तर और साथ में अभिभावक दोनों एक ही मंच पे एक साथ जुड़ जाएंगे तो संदेह व शिक्षा प्रक्रिया अपने निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति कर पाएगी। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रीति वाटला, आई एम फ्रॉम यूनियन टेरिटरी दमन एंडी दादरा नगर हवेली। मैं डीबीसी के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल नंबर 4 वड्डी माता वड़ा पर हमें अध्यापिका के तौर पर अपना योगदान दे रहे हैं। सबसे पहले तो मैं श्री अरविंदो सोसाइटी एवं HDFC बैंक की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ZII नामक कार्यक्रम हमारे सामने रखा। ZII कार्यक्रम के बारे में हमें डीयू डिस्ट्रिक्ट के एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा सबसे पहले पता चला। ZII यानी जीरो इन्वेस्टमेंट इनोवेशन इन एजुकेशन इनिशिएटिव, यानी कि शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार। इसका मुख्य हेतु यही है कि शिक्षा में कोई ऐसा आइडिया लाया जाए जिनके जरिए शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाई जाए। वैसे देखा जाए तो समस्या तो हर जगह है, हमारे स्कूल में भी कई सारी समस्याएं हो रही थी। जैसे कि हमारा स्कूल है वो अभी इंग्लिश मीडियम में प्रारंभ हुआ है, तो इसके लिए जो बच्चे है वो इंग्लिश वर्ड्स को समझ नहीं पा रहे हैं। तो मैंने कई सारे प्रयत्न किए कि उन्हें ये कठिनाई कैसे दूर की जाए। तो सबसे पहले तो मैंने ट्राई किया कि जो वस्तु है वो उसके सामने लाकर रख दी जाए तो वो उसे पहचान सके कि ये वस्तु ये है। वो चीज को पहचानने तो लगे, लेकिन सब चीजें ऐसे नहीं होती कि जो मैं स्कूल में लेकर जा सकती हूँ। इसलिए मैंने ट्राई किया कि ब्लैक बोर्ड में क्यों ना मैं ड्राइंग करके उसे दिखाऊं। तो मैंने फिर वो ट्राई किया और मैंने देखा कि बच्चे जो ड्राइंग देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। और यही सोचते हुए मैंने एक बुक भी बनाई जिसका नाम है ऑपोजिट वर्ड बुक, यानी कि मेरा जो आइडिया है चित्रकथा के माध्यम से शिक्षा वाला है। इसी के जरिए मैंने कई सारी चीजें सिखाने का बच्चों को प्रयत्न किया है कि बच्चे हैं वो चित्र देख के कितना सारा सीख सकते हैं। तो मैं कई सारी एक्टिविटी करवाती हूँ, जैसे कि ये बुक दिखा कर ही मैंने विलोम शब्द भी सिखाए है। फिर आप लोग देख सकते हैं कि संख्या ज्ञान भी मैं चित्र दिखाकर कर सकती हूँ। यहाँ पे गाणितिक क्रिया भी है, फिर दूसरी का कई सारी चित्र की प्रवृत्तियाँ है जिसकी समझ मैं देती हूँ। उसके साथ साथ मैं चित्र दिखाकर बच्चों को जो एक्स्ट्रा जो करिकुलम है वो भी सिखाना चाहती हूँ। फिर जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चित्र के साथ कितनी सारी प्रवृत्ति की जाती है, यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए चित्र वार्ता भी प्रस्तुत की है। उसके साथ साथ चित्र की कई सारी एक्टिविटी जो कि बच्चों के खुल के उनके विचार सामने आ सके इसलिए ये भी किया है। और यहाँ पे कोई भी डे सेलिब्रेट करते हैं तब भी मैं ब्लैक बोर्ड पे ये ड्राइंग करती हूँ। स्कूल में भी कई तरह की ड्राइंग कर रखी है, बच्चे भी अपने आप में जो ड्राइंग का जो स्किल है वो उसका भी डेवलप होता है। इसके साथ ऑपोजिट वर्ड जैसी मैंने बुक बनाई है, ऐसी ही मैंने एक गेम वाली भी बनाई है जिनके जरिए बच्चे जो है वो इंडोर गेम एंड आउटडोर गेम दोनों ही सीख सकते हैं। और फिर मैंने बुक लाकर बच्चों के सामने रख दी और बच्चे हैं जो खुद में खुद वो बुक ओपन करके खुद में खुद सीखने लगे और साथ ही साथ वो दूसरे बच्चों को भी सिखाने लगे। और मैंने तो बुक बनाई थी ऑपोजिट वर्ड बुक, लेकिन बच्चे वो उनमें से कुछ और भी सीख रहे थे, जैसे कि इसमें कौन सा कलर यूज हुआ है, इसमें कौन सा जेंडर यूज हुआ है, ऑपोजिट जेंडर भी पहचानने लगे, एक्सप्रेशन इमोशंस कितनी चीजें हैं इसमें। वो कई सारे सवाल खुद में खुद करते थे और एक दूसरे को पूछते जा रहे थे, तो मुझे भी बहुत सारी खुशी मिली। और ये बुक है वो मैं सिर्फ मेरे क्लास के लिए ही नहीं लेकिन पूरे विद्यालय के सभी क्लास के लिए ये बुक यूज में आ रही है। और साथ ही साथ मैं देख रही हूँ कि जो हमारे SSC के सभी हैं वो भी खुश हो गए कि इस बुक के जरिए बच्चे हैं वो खुद में खुद सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो ये बुक है जो मेरे स्कूल तक ही सीमित थी, लेकिन ZII ने हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि जिसके जरिए ये मेरी बुक है वो दूसरों के साथ में साझा कर पा रही हूँ, शेयर कर पा रही हूँ। तो मैं इसके माध्यम से सिर्फ ZII यानी कि इसकी अरविंदो सोसाइटी एवं HDFC बैंक का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें ऐसा एक मौका दिया है। धन्यवाद। Myself, Vimita
वीरेंद्र सिंह सोलंकी फ्रॉम यूनियन टेरिटरी ऑफ दमन एंड दीव दादरा एंड नगर हवेली वर्किंग इन सेंट्रल प्राइमरी इंग्लिश स्कूल सिलवासा टुडे आई एम हियर बिफोर यू टू प्रेजेंट माय आइडिया व्हिच हैव बीन सिलेक्टेड बाय ZIIEI दैट इज श्री अरबिंदो सोसाइटी माय आइडिया इज रिलेटेड टू कम्युनिटी असिस्टेंस इन व्हिच आई हैव सजेस्टेड दैट We should create a WhatsApp group of all the students which are enrolled in our class at the starting of the year. इससे क्या होगा कि जो भी बच्चे हमारे क्लास में आएंगे उनका पूरा एड्रेस पूरा डिटेल लेके जब हम WhatsApp ग्रुप बनाते हैं तो पेरेंट्स के टच में हम रह सकते हैं. इससे हमारे काम जो है वो बहुत ही सरल हो जाएंगे. जैसे अगर किसी बच्चे को हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है या फिर अगर किसी बच्चे को कभी कभी क्या होता है कि चोट लगने के कारण हमें पेरेंट्स को बुलाना पड़ता है स्कूल में लेकिन उनसे कांटेक्ट हो पाना मुश्किल नहीं होता. ऐसे वक्त में जब हम जानते हैं कि वो पेरेंट्स व्हाट्सएप ग्रुप में इन्वॉल्व है तो उसके साथ साथ कई और पेरेंट्स भी उसमें हेल्प कर सकते हैं क्योंकि कोई ना कोई किसी न किसी को तो जानता ही होता है. और इस तरह से हर पेरेंट्स की मदद से हम अपने क्लास के हर बच्चे तक आसानी से किसी न किसी तरह से पहुँच सकते हैं. जैसे कि जब एक बच्चा हमारे स्कूल में एनरोल होता है सपोज़ उसका एडमिशन जब फर्स्ट ए में होता है तो वो हर साल ए में ही जाएगा. फिर जब वो इस तरह से सिर्फ बच्चे ही नहीं पर पेरेंट्स भी एक दूसरे को हर साल से अलग अलग जानते रहेंगे तो इस तरह से उनका जो बंधन है वो भी स्ट्रांग होता है. तो जब हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप होता है तब कोई भी इंफॉर्मेशन उन तक एकदम आसानी से पहुँचा सकते हैं और पेरेंट्स को जो भी गाइडेंस चाहिए वो भी टीचर लोग से व्हाट्सएप ग्रुप पे ले सकते हैं. आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है और डिजिटल इंडिया में भी यही बात समावेश की गई है कि हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाने के लिए या हर बच्चे तक हमें पहुंचने के लिए हमें भी अपने आप को अपडेट करना होगा. इस तरह से हम लोग हर तरह के कार्यों में सबको सम्मिलित कर सकते हैं. और मैं जब मेरे इस आइडिया को पसंद किया गया तो मुझे बहुत ही खुशी हुई और मैं इसके लिए तहे दिल से श्री अरबिंदो सोसाइटी का और ZIIEI का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने हम शिक्षक मित्रों को यह मंच दिया जहाँ पर हम अपने विचार को प्रस्तुत कर सके और एक नवाचार किसी को देकर हम शायद एक गांव का एक स्कूल का या एक ज़िले का कुछ थोड़ा भी अगर बदल सके तो हमें इसके लिए बहुत ही खुशी की बात है. इसलिए एक बार फिर से मैं ZIIEI का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि शिक्षकों को इस मंच द्वारा अपने विचार रखने का एक स्थान मिला. Hello everyone, my name is Mohammad Sikandar Bhatt. I am a teacher from Jammu and Kashmir, presently posted at Government Primary School, Watsar, Zoom Rajbar, Pasil, Zashal Dara, District of Ara. I have received National Award for Zero Investment Innovation for Education Initiatives for my innovation. My innovation is exploring the local environment or we can say local knowledge. I innovated this idea because I think it is very necessary that learners must have the knowledge of their local environment and to connect to it to their textbook concepts and or classroom instructions would make the teaching learning process more fruitful and joyful. The learners will observe their surroundings more than before as they are experiencing whatever they are learning in their classrooms. This innovative idea is also based on concrete learning and is activity based also. For its implementation, say for example for a science teacher to teach the primary learners the plants and parts of a plant, for this the teacher takes the learners outside the classroom
and shows them different kinds of locally grown plants and their parts. In this way, the students get acquainted with the local plantation. And in the same way, the learners can learn the local culture, local crop pattern, local water bodies, or locally grown fruits, and many more. I have been implementing this idea from the last year, and I think it has been immensely helpful to learners in understanding the various classroom concepts or textbook concepts or classroom instructions. I am glad that Sri Aurobindo Society and HDFC Bank have given the innovative teachers this opportunity to share our innovative ideas online with you. I am hopeful that we will work together in improving the quality of education. To know more about other innovative ideas, please do like and subscribe to ZIIEI YouTube channel. Thank you.